हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एंड हमारा है डे फोर्थ आज रोड ट्रिप का। तो हम पहुंचे अभी सतारा, रात को हम पहुंच गए सतारा, यही हमने स्टे किया था रात को। तो अब यहाँ से तैयारी है हमारी गोवा जाने की। तो दोपहर तक हम करीब दो या एक दो बजे तक हम गोवा पहुंच जाएंगे। तो भाई रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे और कई लोगों को रात को भूत दिख गया, हमारे साथ में कुछ बंदे थे तो भाई वो डर गए, वो कहते हमने आगे नहीं जाना। हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, रुके थे नहीं तो मैं रात को तैयार था आगे जाने के लिए। इसके बाद आगे चलेंगे, मैंने और भी कहीं जाना है। तो अभी चलते हैं बाइक पे, आज की बातें करते हैं बाकी की बाइक पे जाके। तो चलो आओ चले बाइक पर। गर्ल्स तो अभी हम निकल चुके हैं सतारा से, तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गोवा। तो भाई आज तो पहुँचना ही पहुँचना है हर हालत में गोवा, और आज और दिनों के मुकाबले हम निकल भी जल्दी गए हैं। तो मैं जल्दी उठ गया था एक्चुअली यार, सुबह सुबह बारिश आ गई तो होटल से रिसेप्शन से फ़ोन आ गया कि भैया फटाफट से अपना लगेज कवर कर लो, नहीं तो बारिश में गीला हो जाएगा। क्योंकि रात को हमने लगेज उतारा नहीं था सारा, एक यूजुअली जो मेरा बैग है वो मैंने उतार दिया जिसकी मुझे ज़रूरत होती है। तो मैंने कहा ऐसे लोड अनलोड करेंगे तो लगा रहने देते, ज़रूरत पड़ेगी जहाँ वहाँ जाके उतार लेंगे। तो अभी यहाँ से बाहर होंगे हम एग्ज़िट, एग्ज़िट होके फिर सीधा हम निकलेंगे अपना सतारा से गोवा। वो आ गया मेन हाईवे। वैसे यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार कि मैं आज भाई पहुँच जाऊँगा गोवा, क्योंकि आज से पहले कभी मैं गोवा गया हूँ पर घूमा नहीं यार मैंने कभी। एक बार ही गया था काफ़ी टाइम पहले, वो भी कुछ काम था, काम निपटाया और साथ के साथ रिटर्न। तो आज ये एक्साइटेड हूँ, एक तो मैं गोवा जा रहा हूँ और दूसरी बात ये जा रहा हूँ अपनी बाइक पर, तीसरी बात मेरी वाइफ है मेरे साथ, तो भाई सारा इन्जॉय होगा, बढ़िया घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे, बस कॉपीराइट आ जाएगा अब आगे। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके ना जहाँ हमारे मेरे बाकी फ्रेंड्स रुके हैं दोनों, तो मैंने भी सोचा चलो हिमाचल के थोड़ा ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह से ही ब्रेकफास्ट नहीं किया, अभी सुबह से मैं ये लगा लूँ करीब 150-160 किलोमीटर के नियर अबाउट मैं बाइक रन कर चुका हूँ। तो चलो अभी चल के करते हैं ब्रेकफास्ट, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी 20-30 किलोमीटर के बाद जो स्टॉप है यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुके हुए हैं, तो चलो अब चलते हैं पहले बार रेस्टोरेंट में। तो भाई अभी पहुँच गया यहाँ पे, कर्नाटक और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, तो सारे बाइकर्स तो सामने आप देख रहे हो, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको, पूरी भीड़ लगी है भाई, मेला लगा हुआ मेला। तो फोकस ही नहीं पा रहा बिकॉज दूर बहुत ज़्यादा है। तो भाई ज़बरदस्त रोड से मज़ा आ गया है ट्रैवल करके यार वाकई में ना। हमने भी वो सामने जो रास्ता जा रहा है वहाँ से कंटिन्यू कर रहा है टूवर्ड्स गोवा, तो करते करते चलेंगे आगे, यहाँ थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लें तो आज मज़ा आने वाला है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जिसको कहते हैं ना एक नंबर भाई। वैसे भाई एक बात बतानी थी यार, अब जो रास्ता स्टार्ट हो रहा है ना, कुछ लोग हंसने वाले हैं कुछ लोग रोने वाले हैं, रोने वालों में से ये रहे क्या भाई यार पूछो मत, स्पोर्ट्स बाइक लेके आगे पूरा पहाड़ है और पहाड़ में रोड नहीं है, टोटली 100% ऑफ रोडिंग, तो मज़ा आएगा। मैं करूँगा इसमें डेटोना में ऑफ रोडिंग। मजा आ गया यहाँ तक आने में, शहर को पूरा नी ट्रैक करता हुआ आया हूँ। ये देखो साइड में किसा पड़ा है भाई, ये नहीं मानेगा लौंडा, पूरे पहाड़ी ऐसे थे लीन वाले, ट्रैक की याद आ गई नहीं बढ़िया यार जबरदस्त रोड से मजा आ गया वाकई में यार। अब यहाँ कुछ खाते पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा तो ब्रेकफास्ट ही है यार, हमारा ब्रेकफास्ट है दिन के 12 बजे ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। लोग समझ रहे हैं कि सारे रेसर हैं भाई, हम राइड कर रहे हैं भाई, रेस नहीं कर रहे, तो प्लीज़ यार सबको ध्यान से बाइक चलानी चाहिए, क्या फ़ायदा ऐसे एक्सीडेंट हो यार, लोग बहुत तेज। यहाँ का समाचार यहीं करते हैं समाप्त, अगले समाचार से पहले नाश्ता कर ले फिर बाकी के समाचार का प्रसारण करते हैं। आइए तो गाइस चलते हैं यहाँ से गोवा के लिए, ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट कम लंच, अच्छा था फूड, मैं रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ आप आके लंच या ब्रेकफास्ट कीजिए, टेस्ट अच्छा ही है। होटल गोवा बेस के सामने बिल्कुल, होटल सत्यावती रेस्टोरेंट। देख रहे हो कैसे बाइकर्स के मेले लगे हुए हैं, ये देख के खुशी तो होती है यार। अभी यहाँ से 142 किलोमीटर लेफ्ट है
एंड सुना वाओ यार व्हाट अ व्यू। तो गाइस फाइनली हम गोवा पहुंच गए हैं, भगवान की कृपा से कोई दिक्कत नहीं आई, सब अच्छा अच्छा हो गया। तो भी सिटी के अंदर एंट्री कर गए हम, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल पे। तो यहाँ से मेरा होटल है 9.6 किलोमीटर। तो गाइस रूम वगैरह सब सेटल हो गया, लगेज कर लिया, फ्रेश वगैरह हो गए। तो मैंने सोचा थोड़ा घूम फिर आए और थोड़ा खाना पीना खाए यार, सुबह का खाना खाया हुआ, भूख लगी और कुछ अपने यार दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं बीच पे, तो आओ चलते बीच पे, बाकी बात चलते बीच पे करके। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं बागा बीच पे। तो यार अंदर जाके व्लॉग नहीं हो पाएगा बिकॉज म्यूजिक चल रहा है, आपको पीछे हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी, उसके लिए सॉरी यार, तो कॉपीराइट का भी चक्कर है, कॉपीराइट ना आ जाए। तो आओ चलते हैं बीच पे, आपको दिखाते हैं अंदर चल के। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं कौन से बीच भाई? बागा बीच। बागा बीच, बागा बीच पे बागा मिले हमें, बागा बाबा हफ्ते से ये तेरा डाला है भाई, यही पड़े हैं एक हफ्ते से। तो ये बैठे बीच पे, अंधेरा हो गया पर कैमरा चल रहा है भाई, सस्ते कैमरे का महंगा काम। ये देखो ये बड़े बड़े कैमरे ना सब अंधेरे में मुझे बैठे लात फैला के नहीं मैं लात फैल गई है बेचारों की। तो भाई इतने पैसे खर्च के क्या फायदा, जो काम भाई 35-40 हज़ार में होता है। देखो गलतियां सबसे होती हैं, अब अबू बजे से इस कैमरे को लेके हो गई कोई बात नहीं। तो भाई बता रहा है किससे गलती हुई है, हमारे से तो कोई नहीं हुई। तो भाई बढ़िया, कब से भैया आप घूम रहे हो सुबह से? हम हाँ लंच से यहीं पे हैं अब, रात से आज रात हमने होटल कहीं और लिया हुआ है। अच्छा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, माना साला बंदा ना बंदे की जात, हम ही घूम रहे होते हाईवे पर। छेड़ने के लिए भी मैं और मेरा बंदा ही है साथ, राइट पार्टनर, गलत नहीं लगा वो बेटा बंदा पूरा। कैसी रही बता दिया राइड? हाँ बता दिया मैंने, दोबारा बता देते हैं, गाड़ी बकते हैं, काट देंगे, जहरीली जहरीला भाई, गाड़ी बकते हुए जहरीली वाली भाई। ऐसी राइड करी ना, ऐसी राइड करी भाई, बताओ क्या बताओ यार, कैसी राइड करी, सारी पूरे रास्ते ना गालियां देता है मैं लोगों, तेरी तेरी इतने कट ना गोप्रो में मेरे में भी भाई साहब, अगर किसी को रॉ फुटेज दिखा दी ना घर में इज्जत का मालूम आ जाएगा भाई। और ऐसी ऐसी गालियां दी ना समझ नहीं सकते भाई, लोग ऐसे गधों की तरह भाई गाड़ियां चलाते हैं ना, टेम्पू तो टेम्पू भाई फोन पे लगी और बिना देखे जहां मर्जी काट देते हैं साला, इतने में बंदा नहीं जाके कट जाए। तो भाई खतरनाक है रोड, बहुत ध्यान, जो भी गोवा है ना बहुत भाई ध्यान से बाइक चलाए, ट्रेन और प्लेन से आओ वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि हमने आगे देख लिया, अब इस साल गलती नहीं करेंगे, अगले साल में दोबारा करेंगे। हाँ इस साल दोबारा नहीं आएंगे, नेक्स्ट ईयर सोचेंगे, अगले साल आएंगे। तो भाई अभी हम आ गए हैं इनके साथ, गोलगप्पे खा रहे हैं। तो अपने साथ है अपने सिमरन पाजी भाई, भाई ने इस बार ना विशेष दे देना भाई को, भाई ने भाई क्या किया सॉरी बताओ, मैं तो भूल जाता हूँ। 1000 cc पे अपने रिकॉर्ड ब्रेक करा ट्रैक का, अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड है 1000 cc का भाई। डुकाटी पे मत जाना, डुकाटी 1200 cc है भाई, अपना 1000 पे ब्रेक मारा अभी तक किसी ने नहीं कर पाया, ना किसी की दम है, अब हिसाब लगा लेना ठीक है भाई, भाई का बेस्ट टाइम है अभी तक किसी ने ब्रेक नहीं किया। जो कह रहे हैं कि भाई सिमरन थर्ड आया, अगर देखा जाए 1000 cc में सिमरन फर्स्ट है, वो 1100 cc डुकाटी है और अपनी जिक्सर 1000 cc है। तो भाई 1000 cc और 100 cc में फर्क तो आता ही है ना, तो बस उस चक्कर में वो आ गई है, नहीं तो 1000 cc में देखा जाए तो अपना भाई भाई फर्स्ट है, बस हमारे मन को संतुष्टि है। अब गोलगप्पे खा लो। हाँ नहीं मैं नहीं, मैं फिर दे भाई सिमरन का छोटा भाई सहज, गोलगप्पे कैसे हैं? तो भाई अभी हम आए हैं केक शॉप पे, हमने केक भाई किसी का बर्थडे है, हम भाई को देने जा रहे हैं अपने सरप्राइज, तो भाई आपको आगे पता लगने वाला है किसका बर्थडे है। तो भाई लगे रहना वीडियो को, बंद मत करना जब तक आपको पता ना लगे किसका बर्थडे हम देने वाले सरप्राइज, क्यों सहज भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई, सहज को देखते हैं, सहज को तो आप जानते ही हो ना भाई, सिमरन का छोटा भाई है, तो ध्यान रखना भाई को भी ठीक है, तो ये भी ट्रैक करता अपना भाई, सेकंड सिमरन आने वाला है। तो भाई लेते केक, चलो भाई सहज भाई हम केक लेते हैं, भैया देना केक, एक आइसक्रीम केक दे दो। तो ये ले लिया भाई हमने आइसक्रीम केक अमूल मैजिक, तो भाई अब होने वाली है पार्टी चल के। तो भाई अब टाइम है सरप्राइज देने का, भाई बैठा है बाहर काम कर रहा है, तो एकदम से जाके इसको करेंगे सरप्राइज, एंड देखते क्या एक्सप्रेशन है भाई की। हैप्पी बर्थडे टू यू, अरे भाई हैप्पी बर्थडे, हमने कहा भाई को सरप्राइज करें यार, ये लो तलवार है सुलेमानी और काट दो। कोई बात नहीं, ये तलवार 2 साल बाद म्यान से निकली है ना आज।
अरे आप भी आ जाओ गड़ी गड़ी ओ भाई हैप्पी बर्थडे टू यू सहज भाई भाई को खिला केक कटे तो सही ये है आइसक्रीम केक है ना हाँ जी आइसक्रीम केक है भाई साहब ये कहाँ से लाए दुकान से अच्छा अभी जब तुम गायब हुए थे हाँ अभी गायब हुए थे हमने कहा चलो मिस कर दे आप भी अच्छा मैं भी आ जाऊँ इसको यहाँ लगा देते हैं इसको यार घुसेड़ दो ये हैप्पी बर्थडे भाई को थैंक यू एक मिनट ये बस इतना ठीक है ज्यादा गंदा नहीं करना चाहिए नहीं तो लोग आजकल गुस्सा कर जाते हैं भाई कहीं मारने को पड़ जाते हैं वैसे भी आइसक्रीम केक है बहुत तेज पड़ेगा मुंह पे चलो भाई तो भाई को बेस्ट विशेस है थैंक यू तो इस साल जो भाई ने ट्रैक का टाइम किया है इसको भाई अपना टाइम को और ब्रेक करे इससे भी बेस्ट बनाए हमारी यही विशेस है क्यों सहज भाई बिल्कुल बिल्कुल तो अब लगी हमें भूख केक देख के देख रहे हो मेल्ट हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी से ना हमें खाना है हमसे रुका नहीं जा रहा तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो एंड करते हैं वीडियो देख के बताना वीडियो कैसी लगी आज का पूरा डे हमने जो खाया पिया इधर को नहीं भाई मारता दिए इधर उधर ये वो सब किया गोलगप्पे शोरगप्पे सब खाए तो भाई इसी के साथ करते हैं वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में उससे पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना और सिमरन किंग के चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लेना ठीक है भाई जल्दी से जाके और उसी याद करते हैं वीडियो एंड अच्छा फिर सत श्री अकाल।